अच्छा दोस्तों, अटेंडिंग इट ऑनलाइन, अ स्मॉल टेस्ट हैज बीन सेंड ऑन द ग्रुप, जस्ट एक सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है, छोटा सा टेस्ट है, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दोस, विल डिस्कस इट। अच्छा वो सिक्स वाला मत करो, वो गलत सेंटेंस है, डोंट डू द सिक्स वाला, बाकी सब करो, सिक्स वन छोड़ दो। उसी से साथ में बैठे दुर्जन, या फिर उसको आगे ले लो, वो आगे आएगा, उसके पीछे जाओ ना, तो उधर भी तो फैन है। हाँ बीच में चेयर दू, अच्छा दोनों को पता है पहले क्या करना है उसमें, दिस योर फर्स्ट लेक्चर विद मी ना, दिस कॉल्ड एज एरर स्पॉटिंग, और दैट सेंटेंस ना एक पार्ट ग्रामेटिकली गलत है, उसमें डिवाइड किया ना एबीसीडी, तो कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली गलत है जी, यू आइडेंटिफाई करना है बस। सर वो जो अभी ग्रुप में भेजा वो करना है क्या? कौन सा ग्रुप पे भेजा है ना अभी? हाँ हाँ वही, सर यस गुड मॉर्निंग सर, मैं काव्या बोल रही हूँ। बोलो सर ये क्लोज टेस्ट के लिए वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसे बांधना जरूरी है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बट दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ टॉपिक्स किए थे, आई मीन सेंटेंस किए थे, सो दिस इज अ टेस्ट फॉर 10 मिनट्स, आई मीन विल जस्ट सबमिट दिस और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब लगेगा या उसके बाद क्लोज टेस्ट, सॉरी क्लोजेस्ट में सब्जेक्ट वर्ब इज अ एसेंशियल पार्ट, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके ओके सर, हाँ
कितने हो गया? How much you finish? Last. चलो हो गया तो बोलो, विल डिस्कस, यू आर डन, तुम लोग को हो गया? ओके एक मिनट, लेट मी ओपन द पेपर. अच्छा अभी लिखना बंद करो, सुनो पहले, बाद में आई गिव यू टाइम टू टेक दिस डाउन. पहले वाला सेंटेंस जो है ना, दिस विल एक्ट एज अ रिवीजन. अच्छा कौन कौन नहीं थे सब्जेक्ट में? प्लीज जस्ट रेज योर हैंड. 1 2 3 हाफ ऑफ द क्लास वाज नॉट देयर. ठीक है, तो एक आइडिया आ जाएगा एटलीस्ट. फर्स्ट में कुछ गलत लग रहा है? दे टोल्ड अस दैट अ सीरीज ऑफ सेमिनार वर्ड टू बी अरेंज्ड. एनीथिंग रॉन्ग विद द सेंटेंस? सॉरी बोलो, सी में एरर लग रहा है क्या? वॉज क्यों? Whenever there is a construction, let's say. ये वाला construction आता है, noun of noun वाला. इसमें एक दर्ज़ है. तो जो verb आएगा ना, noun of noun, like जैसे देखो the school. What should be the right option? School of boys is going for a picnic. Or are going for a picnic. Is na? So, जो इसके ये भी वही construction noun है, right? ये noun है, ये noun है और बीच में एक preposition use किया ना. तो जब भी ऐसा construction है, noun of noun, the verb should agree with the first noun. यानी first noun के अनुसार we have to put the verb. Okay? Second noun से मुझे कुछ लेना देना है नहीं. समझ में आया? समझ में आया ना ये? तो ये सेंटेंस जो क्वेश्चन है उसमें भी एक कंस्ट्रक्शन है वैसा. ये क्वेश्चन में है कंस्ट्रक्शन वैसा. कौन सा है बोलो? सीरीज ऑफ सेमिनार. तो इसके बाद जो मेरा वर्ब आएगा, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू विच वर्ड? वर्ड कौन से वर्ड को देख के नाउन डाल वर्ब डालना है? सीरीज ना. तो सीरीज सिंगुलर है या प्लूरल है? सीरीज इज सिंगुलर. क्रिकेट का सीरीज होता है ना, एक ही होता है. देयर आर मेनी वर्ड्स एंडिंग जैसे इकोनॉमिक्स, फिर इनिंग्स, न्यूज, फिर फिजिक्स. ये सब में क्या सिमिलर है? ये सब में क्या सिमिलर है? सब एस से एंड हो रहे हैं. नॉर्मली एस से एंड होते हैं तो प्लूरल होते हैं. जैसे बॉय का क्या होता है? बॉयज होता है. गर्ल का क्या होता है? गर्ल्स. तो नॉर्मली नाउन्स एंडिंग इन एस आर प्लूरल्स. बट ये कुछ है जो एस से एंड होते हैं लेकिन वो सिंगुलर ही होता है. और ये सीरीज भी वैसे एक नाउन है. Although it is ending in S, it's a singular one. So, अगर ये singular है तो आगे was आएगा या were आएगा? Was आएगा. Okay. So, error was in the C part, right ना? Any doubt? अच्छा पहले singular यार और plural.
इज और एम का क्या आएगा प्लूरल में? इज और एम का आर ना, इज सिंगुलर में होता है आर। वॉस का, हैज का, हैव ना, एक्सेप्शन से दो पता है ना, आई और यू। ये आई और यू सिंगुलर है ना, लेकिन फिर भी यूज करते बिकॉज दे आर पर्सनल प्रोनाउन। ओके, डज सिंगुलर में होता है, प्लूरल में डू। तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, सिंगुलर क्या प्लूरल क्या, क्योंकि हर एक सेंटेंस में यही लगेगा। यस सर, आपने जो वो बताया अभी एरर, उसमें आपने सीरीज को देख के वो वेयर को वॉश किया, तो सर हम लोग ऐसे कर सकते ना, जैसे अभी अरेंज्ड है तो अरेंज्ड पास्ट है, तो मतलब ईडी आया तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वर नहीं आएगा वॉज आएगा। अरेंज्ड है, अरेंज्ड पास्ट में, इसलिए हाँ, लेकिन वर भी तो पास्ट में होता है, they were absent, were और was दोनों past में ही होते हैं ना, right? हाँ हो गया। एनीथिंग रॉन्ग विद द सेकंड वन? कुछ सेकंड में कुछ मिस्टेक है? बी एज के हैव, अ ग्रेट मैन वाला बोल, अ ग्रेट मेनी वाला बोल रहे हैं ना, सॉरी। हाँ, तो बी में क्या है? कैंडिडेट आएगा। हाँ, और कुछ है? एनीथिंग एल्स? और देखो, तो वो कैंडिडेट आएगा, एस में आएगा। और ओनली दैट मच? यस सर। और सर हाँ, मेनी के साथ तो सर हमेशा हेल्पिंग वर्ब वॉज वाला ही लगता है ना, मतलब वॉज वाला, यानी मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है ना। ओके, तुम लोग ने कोई लिखा है? तुम लोग ने क्या किया? कैंडिडेट्स का कैंडिडेट किया, सिंगुलर किया, दैट्स ऑल। और कुछ? अ ग्रेट मेनी है ना, ग्रेट मेनी के साथ हमेशा, इधर ही लिख देता हूँ, a great many always carries a plural subject and a plural verb, okay, dono bhi plural hoga, to fir kya change karu bolo? The new student, let the new students have admit, let the new students try, kya change karu bolo? Agar a great many ke sath aap bolo sahu ji, sentence mein agar great many ke sath plural chahiye to kya change karu? Question mein dekho, sentence mein second wala, ha correct, the mera jo subject kya hai usme, sentence mein subject kya hai? कैंडिडेट्स ना, दैट इज ऑलरेडी, ये ऑलरेडी प्लूरल है, राइट? आई विल नॉट चेंज दैट, लेकिन मेरा वर्ब क्या हुआ, यूज किया है उधर, एज तो सिंगुलर, तो इधर क्या करना चाहिए मुझे? बिकॉज ग्रेट मैनी ऑलवेज कैरी द प्लूरल सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल वर्ब, तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा, वर्ब चेंज करना पड़ेगा। उधर उधर मत लेकर थोड़ा भी, तो पूरा दिस रूल वॉज नॉट डन आई थिंक इन द लेक्चर, ये नहीं दिया था शायद से। मोर देन वन वाला है उसके बाद वाला, रूल किया है कि नहीं देख लो, आई थिंक किया रहेगा शायद से, मोर देन वन वाला। सर ये थर्ड वाला शायद ऐसा होगा, मोर देन वन स्टूडेंट,
has cleared the exam. शायद नहीं पकता वैसे ही है. ओके गुड. तुम लोग बोलो क्या हो सकता है गलत सेकंड वाले में. अश्लेष गिव इट ट्राई. स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट आएगा और वो वही रहेगा. मोर देन वन. दोनों सिंगुलर रहते हैं मोर देन वन के साथ. सब्जेक्ट इज ऑल्सो सिंगुलर एंड वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर. ओके तो बोलो क्या चेंज करूं. व्हाट शुड चेंज द क्वेश्चन देन. दोनों चेंज करना पड़ेगा ना. वो दोनों प्लूरल है ना. स्टूडेंट भी प्लूरल है और हैव भी प्लूरल है. तो इधर स्टूडेंट्स की जगह सिंगुलर चाहिए ना. तो क्या आएगा स्टूडेंट. और इधर सिंगुलर चाहिए ना. हैव प्लूरल होते हैं तो हैज रहेगा. उधर रूपा नेक्स्ट वन ट्राई करो. डोंट लाफ प्लीज. आई एम कमिंग टू यू ओनली. शी डजंट आंसर. अमोंग्स आएगा. अमोंग्स ओके. अमोंग्स आएगा. अमोंग्स अमोंग्स की जगह अमोंग्स आएगा. पीपी यू से यू वांट ट्राई. Others, you say? No error. मैं इतना मेहनत करके no error वाला sentence लिख रहा हूँ. Every और each का rule लिखा था last time. Every और each का क्या rule था देखो. Every और each का कुछ rule लिखा था. क्या है every और each का rule. पढ़ो जोर से पढ़ो जरा. Whenever any noun is पूरा रूल पढ़ो. पूरा रूल पढ़ो ना. या वो छोड़ दो. फिर दूसरा भी रूल दिया था. नोबडी समबडी एनीबडी वो वाला भी रूल दिया था ना. सिंगुलर वर्ब ना. नोबडी एनीबडी समबडी एवरीबडी ये सब आता है तो सिंगुलर वर्ब होता है राइट. हाँ तो इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा फिर. हाँ वर्ब कौन सा है इसमें. सिंपल सा रूल था. नोबडी somebody anybody ये सब रहेगा तो इट विल ऑलवेज कैरी ऑन. इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी होता है राइट. इसमें वर्ब कौन सा है. लाइक ना. तो एक लाइक होता है एक लाइक्स होता है. सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है. विथ एस वाला सिंगुलर होता है ना. तो इधर एवरीबडी लाइक्स आएगा. उधर द वर्ब विल चेंज. नेक्स्ट वाले में कुछ गलत लग रहा है. थ्री फोर्थ क्या है बोलो. सर वो सिर्फ थ्री फोर्थ होगा. फोर्थ नहीं होगा. हैज बीन मिस्टेक. यूज करते हैं थ्री फोर्थ सिंगुलर वर्ब. हाँ
एस तो रहेगा उसमें सिंगुलर ऑब्वियस. बच्चा हम लोग बोलते तो 3/4 बोलते हैं कि 3/4 बोलते हैं. When you are talking about non-uncountable noun, this is uncountable noun ना, वही अप्लिक उधर ही है. Office energy, energy countable है uncountable है? Uncountable है ना, like half of the shops was your work. Closed. Half of the shops was closed or were closed? क्या बोलेंगे तुम लोग? Half of the shops was closed or were closed? Was. Was. Half of the shops was closed. Were closed आएगा. Right ना? तो ये countable हो गया ना? पिछले उधर भी half आएगा और ये uncountable है. That's why इधर क्या आया था? Plural आया था ना? इधर अनकाउंटेबल समझ में आता है ना, एनर्जी गिन नहीं सकते ना, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया. तो इधर इसके साथ क्या आएगा? एज सिंगुलर. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस. एक अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, दैट इज द डिफरेंस. ओके सर, मार्कर डार्क यूज करो ना, नहीं दिख रहा है बोर्ड. ओके नेक्स्ट वन में कुछ है गलत? देखो दे दो जरा सा. सेवेंथ वन, सिक्स वन नहीं, मैं नहीं कर रहा था. डिलीट क्लास आ जाएगा. व्हाई? हाँ, लाइक इधर क्या है? द फ्लीट ऑफ शिप इज सेलिंग इन द सी या आर सेलिंग इन द सी. फ्लीट का मतलब क्या होता है पहले? ग्रुप. जैसे कार का होता है ना, अगर एक किसी के साथ बहुत सारी गाड़ी है तो वी से ही ओन्स अ फ्लीट ऑफ कार्स इन अ ग्रुप. इधर इज आएगा या आर आएगा? इज ना. द सेम वे इसमें सेकंड वाले में इज ना आर नहीं होता है ना. अच्छा, द कमिटी इज मीटिंग या द कमिटी आर मीटिंग इज. अगेन ये सब तीनों सेंटेंस में क्या सिमिलर था? कलेक्टिव नाउन ना. ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, राइट? ये भी कलेक्टिव नाउन है. क्लास यानी बहुत सारे लड़के और लड़की हो जाए तो कलेक्टिव नाउन नॉर्मली क्या इज अ सिंगुलर वर्ब. ओके, तो इसमें भी कलेक्टिव. एलाइड क्लास का मतलब क्या होता है? एलाइट क्लास. हाँ, जैसा रिच पीपल, तो इट्स मेंट एट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ना, रिच पीपल, राइट? तो ये कलेक्टिव नाउन जैसे यूज करेंगे तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी होते हैं. तो इधर हैव की जगह क्या है? हैज आएगा. तो जस्ट एक रूल, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी होता है. तो सर, एट वाले में आर की जगह इज आएगा. ओके,
शी वाज नॉट देयर फॉर द लास्ट लेक्चर ना, लेकिन वो राइस और करी नहीं खाती, वो बिरयानी खाती है। एट वाले मैं बोलूं द न्यू स्टूडेंट स्पेशली जो लोग लास्ट लेक्चर के लेट है, रूपा क्या हो सकता है, व्हाई? हाँ राइस एंड करी खाते समय साथ दो, एक मिनट आई जस्ट एक्सप्लेन दिस। ये मार्कस का क्या इश्यू, आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ मैं देख रहा हूँ, जस्ट अटैक एक मिनट स्टैंडिंग ना ऐसा, रात भर वो स्लीपिंग ही तो रहता है। ये रख दो सीधा जरा, ऐसा इधर नीचे रख दो सीधा, अच्छा बोलो इसमें क्या आएगा, राम एंड राहुल आर ना, वाई आर, वन प्लस वन टू होता है ना, एंड होता है तो वन प्लस वन टू होता है, तो वही कॉन्सेप्ट राइस एंड करी वाले में यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं होगा। वाइल कंज्यूमिंग जब खाते हैं तो राइस और करी एक साथ खाते हैं ना, कुछ कुछ जन अलग खाते हैं, नॉर्मली नॉर्मल इंसान साथ में खाता है ना। तो क्या आएगा उधर, इज ओके, नाइन्थ वाला जो लोग नहीं थे प्लीज दे ट्राई टू आंसर दिस फर्स्ट, जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं थे, एक इंपॉर्टेंट रूल था। रूपा ट्राई द नाइन्थ वन, यू आर नॉट देयर ना, स्टाफ मेंबर आएगा, ओके, और अश्लेषा यू आर देयर ना, इज आएगा, क्या लग रहा है, यू आर देयर, इज यू आर टॉकिंग अबाउट द नाइन्थ वन ना, इज वो दे दो, वो अभी तक कर गया रहेगा, ये खड़ा करके रखो, whenever there are two subjects और उनको join किया as well as together with along with या फिर accompanied by या खाली with, तो जो verb आएगा वो complete the sentence, तो verb आएगा वो that will be accordance with the first subject, तो वर्ब डालोगे ना तो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, इसमें सेकंड सब्जेक्ट देखना ही नहीं है, तो ये केस में विच इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, मैनेजर ना, सिंगुलर या प्लूरल है, सिंगुलर तो मेरा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो उधर आर के जगह इज आएगा, ओके, सी पार्ट में आर के जगह इज आएगा,
नेक्स्ट कौन सा है, टेंथ वाला ना, हु विल ट्राई टेंथ वन? अश्विशा बोलो, What is the rule in this? इसमें जो वर्ब आएगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, दैट इज द सेकंड. वो जो पहला वाला रूल था ना उसके एकदम अपोजिट है. पहला वाला रूल क्या था, फर्स्ट सब्जेक्ट ना, एज वेल एज अलॉन्ग विद टूगेदर विद, नॉट नॉट ओनली बट ऑल्सो नाइदर नॉट, सेकंड सब्जेक्ट देखना है. तो इसमें सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, टीचर सिंगुलर है ना, उधर वर्ब की जगह वॉज आएगा. ओके क्लोजर इज नॉट अ सिंगल हैज बीन डन, एक भी नहीं हुआ है ना क्लोजर तुम्हारे, लेक्चर ही स्टार्ट नहीं हुआ. हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद द टॉपिक, क्लोजर कैसा लगता है, ठीक ठाक क्लोजर कैसा लगता है, डिफिकल्ट इजी? रूपा एंड कंपनी क्लोजर कैसा लगता है, किया है मॉक टेस्ट, किया रहेगा नहीं किया है मॉक? ओके ओके नेक्स्ट वन में आई डोंट रिमेम्बर नेक्स्ट वाला रूल किया है कि नहीं, देखो मैनी का किया है, रूल किया है स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट आएगा, हाँ स्टूडेंट आएगा, मैनी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा. मैनी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब. प्लूरल प्लूरल. और अगर ये थोड़ा मॉडिफाई करता हूं मैं, इंस्टेड ऑफ मैनी खाली मैनी अ निकाल देता हूं तो, और आगे मैनी स्टूडेंट्स वर्ब नहीं, इसमें नहीं, फॉरगेट दैट, कोई भी सेंटेंस दे दे. मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट और मेनी स्टूडेंट वाज एब्सेंट, वर ना, तो इसमें अगर खाली मेनी रहेगा तो दोनों चेंज हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, और नहीं रहेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट, अगर ये आर्टिकल निकल जाएगा तो. ओके ट्राई द लास्ट वन, अभी हम लोग जस्ट ट्राई द लास्ट सेंटेंस, अभी रूल किया था हम लोगों ने, देखो
आ रहा है क्या? नॉट ओनली बट ऑल्सो, करेक्ट है या कुछ एरर है उसमें? यस, ट्वेल्थ वाला नो एरर. यस, मिला कुछ एरर बाकी लोगों को है? अश्लेषा, एनीथिंग रॉन्ग विद द सेंटेंस? कुछ रॉन्ग है उसमें? सॉरी नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा. थर्ड में एरर है. नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्या रूल लिखा है अभी हम लोगों ने? इसके पहले लिखा था ना, क्या रूल लिखा है देखो, सेकंड सब्जेक्ट के साथ ना. इसमें सेकंड सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड. फ्रेंड इस आएगा, आ रहेगा, करेक्ट है. तो नो एरर है राइट ना, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस. ओके, 12 में 12 नहीं, 11 में से स्कोर्स बोलो जरा फटाफट. हाँ, मैनी है का ये रूल फॉलो करना है, सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल, उसका नीचे प्लूरल प्लूरल, ऊपर सिंगुलर सिंगुलर. क्वेश्चन क्या था? मैनी है के साथ क्या है? सिंगुलर चाहिए ना. मैनी है के साथ लिखा क्या? सिंगुलर चाहिए ना सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर आएगा. सिंगुलर क्या था इसका? रूपा बोलो. टेन, टेन, बट आउट ऑफ टेन यू सेड 11, 8, 10, गुड. तुम लोग का बोलो कितना है? 7, किया ट्राई नहीं किया. ओके, यू आर न्यू ना, तुझे रिलेस नहीं इतना दिया, सच वर्बली. यू सेड हाउ मच? पीछे यू सेड 7. ओके ठीक है, दिस इज डन एंड डस्टेड, खत्म हो गया ये. आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अच्छा, दोज आर नॉट प्रेजेंट फॉर द लेक्चर ना, रूल्स दिए जरा स्नैप वगैरह निकाल के लो. और आई थिंक देयर आर अराउंड 15 टू 20 रूल्स. ओके, आराम से ना, वो स्टैंड, बी केयरफुल ऑफ द स्टैंड. नीचे क्यों लिखे? किसको किसको पता है व्हाट इज द क्लोज टेस्ट? ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव डन द एग्जाम्स. और किसको पता है? पता है. अच्छा, यू आल्सो डन द एग्जाम. बाकी लोगों को नहीं पता है कैसे करना, नहीं क्या होता है? नहीं, नहीं पता है. अच्छा, क्लोज टेस्ट वो ग्रुप पे भी डालने को डर लगता है. क्या हुआ था? कोई तो ग्रुप पे डाला था प्रीवियस डे क्लोज टेस्ट, तो आधे बच्चे आते नहीं. अरे टेस्ट हम लोगों को कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आते नहीं. बोलो व्हाट इज क्लोज टेस्ट, सिंपल. हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स किए ना स्कूल लेवल पे. पैराग्राफ रहेगा एक, ब्लैंक्स रहेंगे उसमें 7, 8, 5 जो भी है, और हर एक ब्लैंक के लिए 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे. तो वो एक चार में से एक ऑप्शन ढूंढना है, जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स. खाली उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में नॉर्मली एक सेंटेंस होता है ना, इसमें एक पूरा पैराग्राफ रहेगा. देयर कैन बी 5 blanks, 6 blanks, 10 blanks, एनीथिंग. 5 to 10 नॉर्मली आता है, एंड हर एक ब्लैंक को 4 या 5 ऑप्शंस देते हैं. ओके, तो उसको क्लोज टेस्ट क्यों बोलते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स क्यों बोलते हैं? हाँ, हाँ, क्लोजेस्ट ढूंढना है. और द अदर रीजन इज जो ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शंस के मीनिंग्स बहुत क्लोज होते हैं, नजदीक नजदीक वाले होते हैं कंफ्यूज करने के. दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एज अ क्लोज टेस्ट. ओके, तो कैन स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक वन, बहुत सिंपल सा क्लोज टेस्ट स्टार्ट करता हूं. ये 2019 का एसएससी का है क्वेश्चन, तो बैंकिंग वाले पीपल विल फाइंड इट अ बिट इजी. और ये पहला है तो मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, तुम लोग भी लिखो, बाकी सब मैं ग्रुप से डाल दूंगा. ओके, ये पहला आपको लिखना पड़ेगा. आई विल गिव द ऑप्शंस आल्सो. इट्स अ स्मॉल वन, 4 या 5 सेंटेंस का ही है. अभी वही ग्रेट मैनी, मैनी और कौन सा किया, 3 रूल्स किए थे ना, 3 सेंटेंस वही नहीं थे, कवर हुए थे, तो वो टेस्ट में आ गया. ग्रेट मैनी, मैनी और वो
मोर देन वन वाला, वो तीन रूल्स बाकी थे। सर वो पेट्रोल टू के बाद क्या लिखा है? पेट्रोल किधर गया? फेड विद कोल एंड पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश एंड मस्ट बी केप्ट एट एन डैश टेम्परेचर। Which they will be fed, FED, fed with coal.
FED या फेडो, FED फेड भाई, एक मिनट लेट डन। हो गया सब लोगों का, पुअर राइटिंग स्किल, डिजिटल राइटिंग। हो गया ना? अच्छा ठीक है, ऑप्शन से कितने ब्लैंक्स है इसमें? पांच ना, तो जनरली फाइव सेट्स है, हर एक सेट में चार चार वर्ड्स है। ओके तो फर्स्ट सेट में से एक वर्ड ढूंढना है, सेकंड सेट से एक वर्ड ढूंढना है, सो ऑन। पहला सेट लिखो, मैं डिक्टेट करूंगा, देयर इज नो स्पेस टू राइट ओवर हियर। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट लिखो पहले, आंसर नहीं क्वेश्चन लिखो। डिपेंडेंट, इन्फीरियर, इन्फीरियर कंटिन्यू करो चार वर्ड से उसके पहले के लिए, चार वर्ड से एक साथ लिखो चार वर्ड। हाँ चलेगा, नीचे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे भी लिखो जो आप हो। डिपेंडेंट, इंफीरियर, सबॉर्डिनेट्स, हेल्पलेस, हेल्पलेस, डिपेंडेंट, इंफीरियर, सबॉर्डिनेट, हेल्पलेस, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड सेट लिखो, सेकेंड सेट विक्टिम्स, victims, 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 masters, slaves, 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 administrators, administrators, the third set, into, into, upon, upon, under, into, upon, under, from, fourth set, gave, 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 give, 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 given and gives, 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 give, give, given, gives. Okay, the last set, fifth wala, optimist, 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 outdated, outdated, optimum, optional. ओके पांच सेट है, हर एक सेट कैसे करना है पता है ना, फर्स्ट सेट से एक वर्ड ढूंढना है, सेकंड सेट से एक वर्ड ढूंढना है, सो ऑन। करो गिव अ ट्राई। पहले चार वर्ड्स है ना, फर्स्ट फोर वर्ड्स है उसमें से फर्स्ट ब्लैंक के लिए आंसर ढूंढना है, सेकंड फोर वर्ड सेकंड ब्लैंक के लिए। Thank you.
Done. हो गया समझो बाकी करें फर्स्ट किधर से सर फर्स्ट डिपेंडेंट है क्या ओके 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 वेट ना वेट फॉर सम टाइम अदर्स आर राइटिंग ना दो मिनट रुको जरा लाले बन ओके ऑर्डर ये रहा जो टिक के लिए पर फर्स्ट वन विच इज द फर्स्ट वन डिपेंडेंट ओके दिस वन इज लॉन्ग बाकी करेक्ट है थर्ड वन इज लॉन्ग बाकी ऑल ऑफ इट हो गया आपका यू आर डन रूपा देखा wrong okay sorry this one is wrong which one upon अच्छा विल डिस्कस ये थोड़ा इजी लेवल का था नॉर्मली एसएससी अच्छा एसएससी लेवल पे बहुत इजी लेवल का आता है ये सब बैंकिंग लेवल पे थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है वो कैप थोड़ा डिफिकल्ट होता है ओके किस बारे में है ये पहले अबाउट मशीन रिलेशन बिटवीन मैन एंड मशीन ना तो मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट यानी मशीन की खोज क्यों की गई थी व्हाई वर मशीन्स डिस्कवर्ड मशीन्स क्यों डिस्कवर की गए मैन्स सर्वेंट उनकी सेवा करने के लिए राइट येट मैन हैज ग्रोन सो डैश इधर येट यूज किया है येट कभी यूज होता है व्हेन डू यूज येट अपोजिट येट और बट अपोजिट के लिए होता है याद रखो लाइक स्मार्ट बट लेजी अगर मैं लिखता हूँ तो स्मार्ट पॉजिटिव वर्ड है लेजी नेगेटिव वर्ड है ना तो बट और येट बिल्कुल ऐसे ही होता है एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा राइट तो इसमें क्या बोला गया मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट येट सम मैन हैज ग्रोन सो डैश ऑन देम मैन हैज ग्रोन सो वो तो सब लोगों का करेक्ट है आई थिंक राइट ना डिपेंडेंट बराबर ना यानी मशीन बनाए गए थे आदमी की सेवा करने के लिए लेकिन मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट इधर डिपेंडेंट आएगा डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम एज डैश मशीन क्यों बनाए गए थे स्लेव स्लेव और मास्टर में डिफरेंस मालूम है व्हाट इज हु इज अ स्लेव सर्वेंट स्लेव इज सर्वेंट ना तो मशीन बनाए गए थे उसके स्लेव बनने के लिए लेकिन अभी ऐसा टाइम आ गया है कि इन अ फेयर वे दे हैव टू बिकम एज डैश येट यूज किया ना यानी कॉन्ट्राडिक्शन अपोजिट आना चाहिए यानी मशीन बनाए गए थे सर्वेंट के लिए येट बट यूज किया है बट अभी क्या हो रहा है
मैन उसका सर्वेंट बन चुका है, राइट? तो मशीन क्या हो जाएंगे उसके मास्टर्स, समझ में आए? तो येट से एक थोड़ा हिंट मिलता है कि इधर अपोजिट को जाना चाहिए, ओके? दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स. इधर वैसे भी प्रोनाउन यूज किया, हिज यानी मैन का रहेगा ना, हिज किसके लिए यूज किया, मैन के लिए, तो मैन्स मास्टर्स ना, समझ में है ना? उसका सेंटेंस का मतलब बहुत सिंपल है, मशीन बनाए गए थे मैन की सेवा करने के लिए, लेकिन येट आ गया ना, लेकिन अभी ऐसा वक्त आ गया कि क्या हो रहा है, मैन मशीन का सेवा कर रहा है, तो मैन हैज बिकम हिज स्लेव एंड मशीन हैज बिकम हिज मास्टर. समझ में आया ना? ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डैश मशीन्स. नाउ नीचे लिखूंगा, दिखेगा इनको, टू वेट अपॉन जो होता है ना, एक फ्रेज है, इडियम पता है ना, कहावते और मुहावरे. तो वेट अपॉन इज अ सिंपल फ्रेज जिसकी मतलब है सेवा करना. लाइक बोलते हैं ना, शी वॉज वेटिंग अपॉन हर इल हस्बैंड, यानी अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी. तो वेट अपॉन का मतलब टू सर्व समबडी, किसी की सेवा करना. तो इधर वही बात हो रही है ना, मशीन, आदमी पूरा अपना जिंदगी किस बात में जाता है, गलत है, मशीन की सेवा करने में, उनकी देखभाल करने में. तो वेटिंग अपॉन मशीन, ओके, सेवा करने के लिए, ओके. मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस. स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट, स्टर्न का मतलब सख्त, हाँ, स्ट्रिक्ट. मशीन्स आर वेरी स्ट्रिक्ट बॉसेस, दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश पेट्रोल टू ड्रिंक. इधर बहुत जन का कंफ्यूजन है. हाँ, अभी एक तो पहले इधर एक कंजंक्शन यूज किया एंड, राइट? एंड का काम, एंड का एंड क्या काम करता है, दोनों सेम वर्ड्स ज्वाइन करता है, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों सेम फॉर्म्स में आना चाहिए. बट कैसे, बट क्या करता है, अपोजिट ना, एंड क्या करेगा, सेम वर्ड्स. नाउ इधर दो वर्ब्स यूज किया, राइट? एक फेड है, ये वर्ब है ना, और इधर और एक वर्ब चाहिए मुझे ना, गिव भी वर्ब है ना. तो अभी ये देखो, इधर लिखू मैं अलर्टेड टॉप ओनली, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, फोर फॉर्म्स, V1, V2, V3. एक तो फीड होता है, फेड, V3 भी इसका फेड ही है, और फीडिंग, राइट? तो अभी और अच्छा, गिव का भी बोलो, गिवन और गिविंग, राइट? अभी इधर एंड यूज किया है, एंड क्या करेगा, सेम फॉर्म ज्वाइन करेगा ना. तो इधर जो फेड यूज किया, राइट? तो फेड कौन सा है, आइदर सेकेंड या थर्ड, राइट? ना, मुझे पता नहीं क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है. दैट मींस क्या, जो गिव का फॉर्म आएगा वो भी सेकंड या थर्ड ही आएगा. तो ये गिव्स तो आएगा ही नहीं, गिव गिव वगैरह आएगा ही नहीं. समझ में आया ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में है ना, ये क्यों समझ में आया, क्योंकि एंड यूज किए और एंड हमेशा इक्वल वेट वाले वर्ड्स ज्वाइन करते हैं. तो फिर अभी गिव और गिवन में से क्या फिट हो रहा है, उधर देखो, दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड गिव पेट्रोल टू ड्रिंक, या गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक, गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक ना. सो आई विल गो विद V3, गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक. हाँ, बीबी है, हाँ, समझ में आया ये, एंड का प्रॉपर्टी समझ में आया ना. वाई आर यू लुकिंग सो डाउन टुडे? अच्छा, एंड मस्ट, अच्छा ये समझ में आया ना, गिवन इधर क्या आ जाएगा, गिवन, एंड मस्ट बी केप्ट एट अ डैश टेम्परेचर. अच्छा, मीनिंग्स बताओ पहले, उधर चार ऑप्शंस है, राइट? ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, हाँ, जो पॉजिटिवली सोचता है वो, उसका अपोजिट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ओके. तो ऑप्टिमिस्ट, मशीन्स तो पॉजिटिवली सोचने वाला, वो तो ह्यूमन कैरेक्टर, वो नहीं होगा, आउटडेटेड, पुराना, तो वो भी नहीं आ सकता है. ऑप्टिमम का मतलब, विच इज द मोस्ट सुटेबल, नहीं, नॉट नेगेटिव, विच इज द मोस्ट सस्टेनेबल, और विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग. जैसे मशीन है ना, वो 100 डिग्री पे भी काम करेगी, 50 डिग्री पे भी काम करेगी, लेकिन 50 डिग्री पे प्रोडक्शन ज्यादा देगी. तो हम लोग क्या बोलेंगे, 50 डिग्री इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर. तो ऑप्टिमम का मतलब होता है द मोस्ट सुटेबल या मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ऑप्टिमम आएगा उधर. ओके, समझ में आया? हाँ, प्रतिकूल अनुकूल सेम थिंग ना, प्रतिकूल अपोजिट होता है, प्रतिकूल परिस्थिति बोलते हैं, आई डोंट नो,
ओके आई एम जस्ट पुटिंग द नेक्स्ट आल्सो सेकंड वाला डाल लो दो मिनट नहीं भेजना है रुको जल्दी एडवर्स प्रतिकूल एक और एक थोड़ा इजी वाला ही करेंगे जस्ट अ मिनट आ गया तो बोल दो मुझे स्पूटिंग इट अच्छा पैसेज आ गया जस्ट गो थ्रू द पैसेज आई विल गिव द ऑप्शंस आल्सो ओजोन वाला है ना पहले एक बार पढ़ लो देन आई विल राइट द ऑप्शंस ऑन द बोर्ड Sion Hospital, but then she will shift to Sion.
हो गया पढ़ के. हाउ इज फर्स्ट टेल मी हाउ इज द लैंग्वेज, इजी सिंपल मॉडरेट या डिफिकल्ट अदर. हाउ इज द लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसा लग रहा है? मॉडरेट अश्लेषा, मॉडरेट. ओके, किस बारे में है ये? ओजोन के बारे में ना. तो अगर ओजोन के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज रहेगा ना तो इट विल वेरी इजी. ओजोन लेयर पता है क्या होता है ना, क्या काम करते हैं ओजोन लेयर? प्रोटेक्ट करते हैं. लाइक अगर ये अर्थ है तो देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन ना, O3 का लेयर होता है जो क्या करता है, सन के हार्मफुल रेस से हमको प्रोटेक्ट कर देता है. हां, तो यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट. तो ये दिस इज गुड और बैड? गुड ना. व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? उधर होल हो चुका है, देयर इज अ होल बीइंग फॉर्म जिसकी वजह से वार्मिंग हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, यूवी रेस पेनिट्रेट हो रहे हैं, दे आर रीचिंग द अर्थ. तो दैट इज समथिंग नेगेटिव ना. किधर हुआ है होल पता है ये? अफ्रीका, अंटार्कटिका. अंटार्कटिका ओवर कॉल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका. तो ये अगर मुझे ये बेसिक नॉलेज भी रहेगा ना थोड़ा बहुत, तो दिस विल बी वेरी इजी टू बिलीव. समझ में आया ना क्या किस बारे में पैसेज है? अनऑर्डर्ड आई विल पुट अप द ऑप्शंस. कितने ऑप्शंस है हर एक के लिए? पांच पांच ऑप्शंस है. तो हर एक लूट इन सिमिलर वे. ओके, हाउ मेनी ब्रांच आर देयर इन ऑल? सिक्स. So what is the second option in sync? Okay. अगर मीनिंग्स नहीं पता रहेगा ना, विल डिस्कस एट द एंड. और प्लीज गूगल करके फाइंड आउट मत करो, फिर मतलब नहीं बनेगा. तो सी में सेकंड वाला यूटिलिटी लिखा है. सी यूटिलिटी, यू यूटिलिटी. Thank you.
Meaning we'll discuss at the end. सर वो एफ में सेकंड ऑप्शन क्या है इसमें? सॉरी एफ एफ में डिटेंशन रिडक्शन डिटेंशन एक्युमुलेशन एबिलिटी होल्ड What does fascination mean? To be admire किसी को admire करना कुछ चीज अच्छा लगना fascinated to be admire something अच्छा लगना कुछ हो गया पास कर बुक एक मिनट एक मिनट आया ना लास्ट वन नॉट डन सिक्स वन The first one is wrong. Baki correct hai sir. The first wala prevent hai na? Haan. You not written the options? Likha. Options nahi likha. करेक्ट है उसको ही दे दे चेक कर दे करेक्ट है उसको उसको बोल यू आल्सो डन
और किसी का हो गया क्या जस्ट सर कुटुंब सर्ट के था दिस वन ना एक ऐसे था करेक्ट यू आर डन किसका है वो हाउ अबाउट यू दो दो क्यों किए नहीं 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 एक ही है वो एक ही ब्लैंक है दो दो नहीं करो एक ही करो कौन तुम लोग का कभी से स्टार्ट किया वापस एक क्या इधर रेस्ट ऑफ यू आर फिनिश्ड हो गया नहीं यू आर फिनिश्ड ऊपर जस्ट देख लो हाउ मेनी ऑल राइट डू नो अष्टेश हम बचा रहे रिमेनिंग हो गया ओके चल विल डिस्कस दिस हो गया आई थिंक सब लोग का हो गया ना यू आर डन एक एक हो गया क्या सबका साहू जी एक एक हो गया जो दो दो किए उसमें से एक सिलेक्ट करो कोई भी Both of you are finished over there. हो गया. Ask कर. कितने बचे हैं? कितने रह गए? How much are remaining? कितने हो गए? कितने बाकी हैं? हाँ? थोड़े बाकी हैं. ठीक है चलो अभी ध्यान दो. We'll discuss this. So the layer of ozone helps dash the harmful ultraviolet rays away from entering the Earth's atmosphere. क्या सकते हैं अभी हम लोग ने स्टडी किया ना ओजोन लेयर क्या काम करता है ओजोन लेयर क्या काम करता है एक डायग्राम ड्रॉ किया था इट्स प्रिवेंट्स फ्रॉम यूवी रेज प्रिवेंट्स है उसमें अवे है तो प्रिवेंट नहीं आना चाहिए था लेकिन दूसरा ऑप्शन है ही नहीं ना इसमें कुछ इट विल प्रिजर्व तो नहीं जाएगा राइट और फिर प्रिटेंड तो बिल्कुल नहीं जाएगा इंटेंट का मतलब व्हाट डज द वर्ड इंटेंट मीन आई इंटेंड टू गो आउट इन द इवनिंग एंड आई एम प्लानिंग टू गो आउट राइट तो इंटेंट भी नहीं जाएगा एसोसिएट बिल्कुल नहीं जाएगा तो आई एम लेफ्ट एलिमिनेशन मेथड से क्या बचता है प्रिवेंट ओके हाँ तो वही
नहीं अवे नहीं आना चाहिए था, बट बाकी दूसरा वर्ड कोई फिट भी नहीं हो रहा है ना. अगर नन ऑफ दिस रहता आई वुड हैव गॉन विद दैट, क्योंकि अवे है ना, बट नन ऑफ द अबव भी नहीं है. मुझे एक ऑप्शन चूज ही करना पड़ेगा. ओके तो अभी हम लोगों ने देखा ना ओजोन लेयर जो आता है अंदर, सॉरी यूवी रेज जो अंदर आते हैं वो क्या करता है, ओजोन लेयर क्या करता है, प्रिवेंट्स, रोक देता है ना. ओजोन लेयर डिप्लीशन ओवर द इयर्स हैज डैश इन ओजोन फॉर्मेशन. डिप्लीशन का मतलब रिड्यूस होना. तो ओजोन लेयर साल से सालों साल क्या होते जा रहे, कम होते जा रहे हैं. एंड विच हैज डैश इन द ओजोन फॉर्मेशन, विच हैज रिजल्टेड ना, ओजोन होल साल पर साल कम होते जा रहे हैं. इसके वजह से क्या हो गया, ओजोन होल फॉर्म हो गए. वो कम होगा तो ही फॉर्म होगा ना होल उधर. उधर डिप्लीशन, डिप्लीशन यानी ओजोन लेयर, ओजोन गैस कम होते जा रहे हैं. एंड दिस हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल. अभी तुम लोग का तो हो गया, जो लोग का चेक किया वो लोग अभी मत बोलो, जो लोग का नहीं चेक किया लेट देम ट्राई टू आंसर दिस. थर्ड वन ओजोन लेयर, थर्ड वन तो जो सेंटेंस है ना उसी में आंसर छुपा हुआ है. ओजोन लेयर डिप्लीशन हैज मेनी डैश इफेक्ट. क्या हो सकता है, व्हाई नेगेटिव, करेक्ट व्हाई, बट नेगेटिव ही क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन की बात की है तो उसके इफेक्ट्स भी नेगेटिव ही होंगे. ओके okay. उसके आगे वर्ड यूज किया ना इंक्लूडिंग कैंसर रिस्क, राइट, इधर वर्ड यूज किया ना कैंसर, तो कैंसर इज समथिंग वेरी नेगेटिव ना, तो नेगेटिव इफेक्ट्स, ये नेगेटिव इफेक्ट है ना ओजोन लेयर. अगर ओजोन का लेयर नहीं रहेगा तो हार्मफुल सनरेज आ जाएंगे एंड विल गेट कैंसर. तो ये इफेक्ट किसका है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का. तो ओजोन लेयर डिप्लीशन हैज मेनी नेगेटिव इफेक्ट्स. This wavelength can harm plants and animals and cause cancer, skin cancers, sunburns and cataracts in humans. So, खाली cancer नहीं होता, they can harm plants and animals also. Apart from that, they can cause sunburns, cataract, etc. Cataract? मोती बिंदु सुना है ना? तो ये सब वापस किसके वजह से हो रहे हैं? Depletion of the ozone layer, right? Ozone layer कम हो रहा है, तो ये सब diseases हो रहे हैं. कौन से diseases? रूपा? Wait, I'll ask the nurse. Which is diseases? PP, which diseases? Cancer and? Padho, usme hai. Cataract. The problem is very dash indeed. Again, jelo ka check nahi kiya, please one of them try to answer this. The problem is very dash indeed and has rightly generated global concern. Achha, iska meanings, options ke meanings, ग्रेटफुल तो पता है. ग्रेव का मतलब क्या होता है, ग्रीव सुना है, दो मतलब होते हैं. मरने के बाद इंसान किधर जाता है, ग्रेव में ना, तो एक वो ग्रेव और दूसरा ग्रेव सीरियस. इट हैज ग्रेव कॉन्सिक्वेंस, उसके रिजल्ट बहुत सीरियस. तो ग्रेव के दो मतलब होते हैं, दोनों नेगेटिव वर्ड है. तो इट इज डेफिनेट, एक एक्चुअली नेगेटिव वर्ड है. ग्रेव यानी सीरियस भी होता है, डेंजरस, सीरियस. ओके, ग्रेशियस मतलब दयालु, काइंड. इज अ वेरी ग्रेशियस पर्सन, यानी बहुत जेंटल मैन है, बहुत काइंड पर्सन है, दयालु है, डिलाइट तो सही है. ओके तो क्या द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्या, नेगेटिव वर्ड ही चाहिए ना. ये सब पॉजिटिव है ना, ग्रेटफुल, ग्रेशियस, डिलाइट, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है. तो ये प्रॉब्लम कौन सा है, कैंसर का ना इसका, तो ये सॉरी अल्ट्रावायलेट रेज का पेनिट्रेटिंग. तो द प्रॉब्लम इज वेरी ग्रेव एंड इट हैज जनरेटेड ग्लोबल कंसर्न. इसका मतलब क्या, इट हैज जनरेटेड ग्लोबल कंसर्न. What does that mean? Countries throughout the globe, पूरे countries across the world are worried about this problem. Correct ना? हाँ, जागतिक स्तर. समझ में आया ये? This led to the dash of the Montreal Protocol. Montreal क्या है? It's a place in Canada, I think. Canada में जगह है. अच्छा, अभी latest issue कौन सा चालू है? रशिया यूक्रेन वॉर ना. तो अभी ये वॉर चालू हुआ तो यूएन, यूएन के यूएन हेल्ड अ मीटिंग, पता है ना, एंड वो लोग ने कुछ डिसाइड किया ना कि रशिया को बैन करेंगे, ये करेंगे. तो नॉर्मली इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम द हेड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिग नेशन मीट एंड ट्राई टू सॉल्व इट, और बाद में कुछ एग्रीमेंट पास करते हैं. जैसे अभी रशिया के साथ ट्रेड नहीं करना, ये नहीं करना, सब ये किया ना. तो सिमिलरली तभी भी ये 1987 का बात है, बिफोर यू ऑल वर बॉर्न ना. तो 1987 में ओजोन लेयर, तभी तभी वो नया प्रॉब्लम उभरा था. तभी ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेशंस
मेट एट अ प्लेस कॉल्ड मॉन्ट्रियल राइट, और उन्होंने कुछ डिसाइड किया रहेगा ना. अच्छा ये किस वजह से होता है, ओजोन गैस कम क्यों होता है, विच केमिकल्स, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, कहाँ से आता है ये, मोर देन कार्स एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स, एसी और इसलिए तो एसी से और फ्रिज से ज्यादा करके आ रहे हैं राइट. तो दैट्स व्हाई, तो ये नेशन तभी ये प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ था, तो दिस पीपल द रिप्रेजेंट लाइक यूएस रशिया उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मिले रहेंगे, वो जगह का नाम था मॉन्ट्रियल. एंड देन दे उन्होंने कुछ रूल्स एग्रीमेंट डिसाइड किया रहेगी ना, वो रूल्स क्या किया, अडॉप्ट किया, अडॉप्ट किए, अडॉप्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, अडॉप्ट एंड अडॉप्ट. अच्छा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, सब सब वर्ड फ्रेगमेंटेशन, ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, सेपरेशन इनटू छोटा छोटा टुकड़े करते हैं ना, फ्रेगमेंट्स बोलते हैं. फैसिनेशन तो पता है ना, टू एडमायर समबडी या टू लाइक समबडी समथिंग और समबडी, यूटिलाइजेशन है ना, यूज होना. अडॉप्शन और अडॉप्टेशन में फर्क, अच्छा फॉरगेट अडॉप्शन, अडॉप्टेशन क्या, हाँ यू स्टडी बायो है, फ्रॉग का स्पेशलिटी क्या है, इट कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर ना, फ्रॉग पानी में भी रहता है, लैंड में, लैंड पे वो नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करता है, पानी में स्किन से ब्रीथ करता है. तो ये क्या किया उसने, अपने आप को अडेप्ट कर लिया ना, एडजस्ट टू द सराउंडिंग, समझ में आया ना, तो माहौल के अनुसार एडजस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन. और अडॉप्शन यानी, अडॉप्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो बच्चे अडॉप्ट करते हैं ना, चाइल्ड अडॉप्शन, और दूसरा हम लोग बोलते हैं ही हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ इम्बाइब करना यानी फॉलो करना, लेना और वो फॉलो करना, समझ में आया ना. अडॉप्टेशन होता है एडजस्ट टू द सराउंडिंग, और अडॉप्शन होता है टू इम्बाइब द प्रिंसिपल्स यानी एक्सेप्ट करके फॉलो करना. तो इधर क्या आएगा, अडॉप्शन, क्योंकि वो लोग ना मॉन्ट्रियल में कुछ रूल्स डिसाइड किए रहेंगे ना ओजोन लेयर के लिए, तो दे हैव अडॉप्टेड दैट यानी वो फॉलो करेंगे अभी से रूल्स. ओके This protocol bans the production of ozone depletion chemicals like CFC and halons. Okay, यानी CFC और halons की वजह से ozone का layer कम होते जा रहा है ना, तो उसका production ही बंद करने को decide किया वो लोग ने. Ozone depletion refers to the steady dash in the amount. Depletion का मतलब क्या होता है, कम होना ना, so it refers to the steady reduction. Depletion, reduction same ही होता है ना. Detention over here, suspend, नहीं डिटेन करना है अपोजिट, पुलिस ने डिटेन किया सुना नहीं, हाँ वही है डिटेन, डिटेन एंड डिटेंशन, डिबार, डिबार करना नहीं होगा एग्जैक्टली, दैट इज स्टॉप करना भी नहीं होगा, जस्ट गूगल एंड चेक करो, कंफर्म करो, आई थिंक इट शुड बी टू कीप इन कैप्टिविटी, आई डोंट नो. सर सी वाले का जो फिफ्थ वाला है एनसंग, क्या लिखा आपने एनसुइंग, उसका मतलब क्या है? अच्छा एनसुइंग का मतलब क्या, एनीबॉडी एनसुइंग यानी एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग या फॉलोइंग समथिंग, किसी के किसी को फॉलो करना है, यानी दिस प्रॉब्लम अरोज, कोरोना अरोज एनसुइंग सर्टेन प्रॉब्लम्स इन चाइना, यानी एज अ रिजल्ट ऑफ या फॉलोइंग समथिंग, हाँ बदनामी से नहीं, हाँ कस्टडी तो कैप्टिविटी, तो डिटेंशन वही है टू कीप इन कैप्टिविटी, नजर कैद में रखना या पकड़ के रखना. ओके तो सेम मीनिंग, एनसुइंग समझ में आया ना, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग या फॉलोइंग समथिंग. हां सर, नाउ टेल मी योर स्कोर्स. ऑल इज वेल, यू सेड 4 राइट, पीछे 3, this side 5 na, I check total give you 6 hai na, so ek you got only one wrong na, ha total 6 are only na, abhi 5 you got everything all na, isko vishwas nahi raha already, this is shock. ठीक है, ये थोड़े बेसिक लेवल के थे, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बैंकिंग लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के करेंगे. ओके आई कंटिन्यू, देयर आर 3 मोर रिमेनिंग, तो आई थिंक तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ इज डन ना. ओके आई विल कंप्लीट दैट देन आई विल स्टार्ट विद द एडवर्ब्स. हो गया तुम लोगों का, किसका किसका हो गया एडवर्ब्स,
फर्स्ट लेक्चर एडोप ना, तो चार जन का हो गया है ना, फोर पीपल। ठीक है, अगर ये हो गया तो आई विल बी कंटिन्यू एडोप नेक्स्ट लेक्चर, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी लेना है, लेकिन फिर वो आगे पीछे ले लूंगा। ओनली फोर पीपल जो हो गया ना। ठीक है, वैसे भी अगला लेक्चर इसमें ही जाएगा, शायद तीन है तो इट विल टेक द एंटायर, उसके बाद ही देखेंगे। एक मिनट, लेट मी लॉग आउट। थैंक यू सर। ओके, चलो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन पीपल। थैंक यू सर। या।